हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम जगविंदर है चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि डी क्या होता है डीएससीपी जिसे डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल भी कहा जाता है एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है यानी कि ऐसा प्रोटोकॉल जो नेटवर्क्स में काम में आता है और ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पर वर्क करता है यानी कि इस प्रोटोकॉल को यूज करने वाले कुछ सर्वर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं और बहुत सारे सर्विस रिक्वेस्टर्स या क्लाइंट्स होते हैं चलिए इसे एक एनिमेशन से समझते हैं मान लीजिए मेरे एनवायरमेंट में कुछ कंप्यूटर्स हैं और ये कंप्यूटर्स आपस में कॉम्युनिकेट करना चाहते हैं तो इनके बीच में कॉम्युनिकेशन पॉसिबल बनाने के लिए हमने इनको केबल से कनेक्ट कर दिया और एक सेंट्रलाइज डिवाइस स्विच या हब से इनको कनेक्ट कर दिया अब इनके बीच में कॉम्युनिकेशन के लिए इन सभी के ऊपर हमें आईपी एड्रेस कॉन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी ये आईपी एड्रेस कॉन्फिग्रेशन आप मेनुअली भी कर सकते हैं यानी कि आपके एनवायरमेंट का एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्फ़िगरेशन एक एक पीसी के ऊपर जाकर या एक एक होस्ट के ऊपर जाकर मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकता है इसे कॉन्फ़िगर करने के लिए कंप्यूटर की टीसीपीआई प्रॉपर्टीज में आईपी एड्रेस एंटर करना पड़ता है अगर आपको आईपी एड्रेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो हमने आईपी एड्रेसिंग के ऊपर एक पूरी सीरीज पहले से बना रखी है आप वहां से इसकी हेल्प ले सकते हैं छोटे इन्वायरमेंट में ये मैनुअल कॉन्फिग्रेशन अच्छे से वर्क करती है लेकिन बड़े इन्वायरमेंट में मान लीजिए आपके एनवायरमेंट में 50 कंप्यूटर्स हैं या 200 कंप्यूटर्स या होस्ट हैं तो उनके ऊपर आईपी एड्रेस का टास्क परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है और उसमें डिफिकल्टीज के साथ साथ कुछ गलतियां होने के चांसेस भी रहते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में डीएससीपी आपकी हेल्प करता है डीएससीपी या डायनेमिक होस्ट कॉन्फिग्रेशन प्रोटोकॉल सर्वर को आप अपने एनवायरमेंट में एक बार कन्फिगर कर लेंगे तो ये सर्वर नेटवर्क के सभी होस्ट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है तो हम कह सकते हैं कि डीएससीपी या डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल हमारे नेटवर्क होस्ट को आईपी एड्रेस एलोकेट करने के काम आता है ये उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है ताकि वो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकें और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यह आपके नेटवर्क के एडमिनिस्ट्रेशन को इजी बना देता है और आपके एडमिनिस्ट्रेटर को मैनुअली एक एक पीसी के ऊपर जाकर आईपी एड्रेस कॉन्फिग्रेशन नहीं करनी पड़ती है बल्कि यह रिस्पॉन्सिबिलिटी डीएससीपी सर्वर ऑटोमेटिकली या डायनेमिकली अपने आप से परफॉर्म करता है डीएससीपी सर्वर से आपके मन में ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि डीएससीपी सर्वर कोई कंप्यूटर ही होगा जिसके ऊपर डीएससीपी की सर्विसेज रन कर रही होंगी डीएससीपी का सबसे सिंपल एग्जाम्पल है एडीएसएल राउटर वो राउटर जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं ये डिवाइस आपको अपने घरों में या ऑफिस में देखने को मिलता है डिवाइस के ऊपर भी डीएससी कॉन्फ़िगरेशन हुई होती है और ये डिवाइस एक्ट करता है एज अ डीएससीपी सर्वर और एक छोटे नेटवर्क में आपके डिवाइसेस को एड्रेस प्रोवाइड करता है ताकि ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकें और छोटे इन्वायरमेंट में या आपकी जरूरत के हिसाब से एक लोकल एरिया नेटवर्क में सक्सेसफुली एड्रेस कॉन्फिग्रेशन होस्ट को प्रोवाइड कर सकता है ये डिवाइस भी अपने खुद के ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फिगर करने के लिए हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से एक स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस रिसीव करता है यानी कि सर्विस प्रोवाइडर का राउटर या सर्वर एक आईपी एड्रेस हमारे इस एडीएसएल राउटर या डिवाइस को प्रोवाइड करता है ताकि ये इंटरनेट के बाकी होस्ट के साथ कॉम्युनिकेट कर सके और हमारे नेटवर्क के होस्ट को भी कॉम्युनिकेट करवा सके ऐसे इन्वायरमेंट में इस एडीएसएल राउटर या जिसे मॉडेम भी कहा जाता है हमारे डिवाइसेस को डीएससीपी के थ्रू आईपी एड्रेस तो प्रोवाइड करता ही है साथ ही साथ इसके ऊपर नेट पैट भी कन्फिगर्ड होता है जिसकी हेल्प से ये इंटरनेट पर रखी हुई डिवाइसेस के साथ हमारे डिवाइसेस की कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है और इसी की हेल्प से हमारे यूजर्स हमारे कंप्यूटर्स को यूज करके वेब सर्विसेज या इसी तरह की दूसरी सर्विसेज को यूज कर पाते हैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे यानी कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहां पे बहुत सारे कंप्यूटर्स प्रिंटर्स और मोबाइल डिवाइसेज हैं जिन्हें आईपी एड्रेसेस की जरूरत है ताकि वो आपस में तो कम्युनिकेट कर ही सके साथ ही साथ इंटरनेट सर्विसेज का फायदा भी उठा सके आप इस आईपी एड्रेस एलोकेशन के लिए कोई कंप्यूटर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं ताकि वो डीएससीपी सर्वर की तरह एक्ट कर सके और बड़े एनवायरमेंट में आप एक से ज्यादा सर्वर्स को भी डीएससीपी सर्वर की तरह एक्ट करवा सकते हैं ताकि नेटवर्क में रिडेडेंसी और फॉल्ट टॉलरेंस मिलती रहे इसके अलावा आप अपने इन्वायरमेंट के राउटर्स को भी एज अ डी एस सी सर्वर एक्ट करवा सकते हैं यानी कि राउटर्स में भी ये फैसिलिटी होती है कि आप उसके ऊपर डी एस करके अपने नेटवर्किंग डिवाइसेस को आई पी एड्रेस और दूसरी कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं यानी कि कुल cool मिला देखा जाए तो डी एस सर्वर का काम आपके नेटवर्क में आई पी एड्रेस प्रोवाइड करना और आपके एडमिनिस्ट्रेटर के टास्क को ईजी बनाना है चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं आप मुझे बताएं कि डीएससीपी किस मॉडल के ऊपर बेस्ड है आपकी चॉइस है ए पीयर टू पीयर और बी क्लाइंट सर्वर मॉडल आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 15 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें तो इस वीडियो में हमने सीखा कि डीएससीपी क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वर्किंग के बारे में जानेंगे तो इस वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर लिसनिंग